लोगों ने कीमो सिलेक्टिव, रिजियो सिलेक्टिव, सीरो सिलेक्टिव, सीरो स्पेसिफिक, ये चारों रिएक्शन पढ़ ली थी। दो तीन एग्जांपल्स हैं जो स्टडी करनी है सीरो स्पेसिफिक के केस में, स्टीरियो स्पेसिफिक के केस में। एक मैं तुम्हें करवा रहा था जो थी फिंकलस्टीन रिएक्शन से रिलेटेड, उसके अलावा है रिएक्शन ये बैकमैन्स रीअरेंजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेव रिएक्शन में शायद तुमने पढ़ा हो, एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, स्कूल के लिए नहीं, बैकमैन्स रीअरेंजमेंट। और एक रिएक्शन और है डायल सेल्डर रिएक्शन, ये दोनों के दोनों रिएक्शन क्या है, स्टीरियो स्पेसिफिक। ये दो रिएक्शन हमने स्टडी करनी है। एक मैंने तुम्हें मैकेनिज्म थोड़ा बहुत करवा दिया था जो एंटी एलिमिनेशन का केस था, डाइब्रोमो कंपाउंड है, एडजेसेंट डाइब्रोमो, विसिनल डाइब्रोमो कंपाउंड था, उसमें डाला मैंने NAI एसीटोन के अंदर या KI एसीटोन के अंदर, जैसे ये डाइब्रोमो कह लो या डाइक्लोरो कंपाउंड था। एंटी एलिमिनेशन का केस था ये, एंटी एलिमिनेशन, इसमें डाला था मैंने NAI इन एसीटोन या KI इन एसीटोन। एसीटोन सॉल्वेंट लेते हैं ताकि एल्काइलाइट आसानी से डिजोल्व हो सके, ताकि एल्काइलाइट आसानी से डिजोल्व हो सके। तो इसमें देखो अब क्या होगा कि ये BR इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है और ये वाला BR इलेक्ट्रॉन देगा, तो जो BR इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, ध्यान देंगे जो BR इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, ये Na+ है, ये है Na+ और ये I-, तो Na+ जाएगा इसके पास, इसको पकड़ लेगा, और I- इस BR पॉजिटिव को पकड़ लेगा। तो आंसर आ गया, इथीन तो आ ही गया यहाँ पे, इथीन तो आ गया यहाँ पे, साथ में आएगा NaBr, साथ में आएगा NaBr प्लस IBr। अब IBr इतना स्टेबल नहीं है, इसलिए इस IBr पे ये NaI द्वारा अटैक करेगा, Na+ I-, ये इस पे द्वारा अटैक करेगा, और इसमें I+ है Br-, I+ है Br-, तो I+ इसके साथ जाएगा I2 बना देगा, और Na+ Br-, NaBr बना देगा, तो ये NaBr और I2। तो एक्चुअल में रिएक्शन में क्या होगा, अगर ये कंपाउंड में लेता हूँ तो डायरेक्ट आंसर अगर मैं लिखूँ तो एंटी एलिमिनेशन का केस है, आंसर आएगा एथीन प्लस 2NaBr प्लस I2, ये रिएक्शन फिंकलस्टीन रिएक्शन टाइप है। ये मैकेनिज्म मैंने तुम्हें समझा दिया किस तरह से होता है, एक बार मैं जल्दी से बता रहा हूँ फिर इसका डिटेल पढ़ेंगे, एक बार मैं इसको जल्दी से बता रहा हूँ तुम्हें, दोबारा देख लेंगे एक बार। देखो CH2Br है, CH2Br NaI एसीटोन में डाला है, मैं एक बार पहले जो लिखा हुआ सारा हटा देता हूँ, दोबारा देख लेंगे एक बार जल्दी से, ये बैकमैन्स रीअरेंजमेंट और डायल सेल्डर रिएक्शन ये हमें स्टडी करनी है। देखो ये इसके अंदर क्या हुआ है, BR इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, BR इलेक्ट्रॉन लेके गया और ये वाला BR इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहां पे आ रहा है पॉजिटिव, यहां आ रहा है नेगेटिव, दोनों का बन जाएगा बॉन्ड, मिल जाएगा इथीन, ये पार्ट तो मिल गया। अब जो ये BR नेगेटिव है इसके साथ ये Na पॉजिटिव जुड़ेगा, NaBr, और जो BR पॉजिटिव है उसके साथ I नेगेटिव जुड़ेगा, IBr, तो NaBr और IBr आएगा साथ में, लेकिन IBr दो हेलोजन जो एक साथ जुड़े होते हैं इसे कहते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड, ये ज्यादा स्टेबल नहीं होते, इसीलिए NaI जो है ये दोबारा इस पर अटैक करेगा। NaI में Na+ है, I- है, Na+ है और I- है, इसमें I+ है, Br-, बस इनको जोड़ देना, I+ और I- किससे जुड़ जाएगा, I2 बन जाएगा और NaBr बन जाएगा, तो फाइनल आंसर जो आएगा NaI एसीटोन डालने पर NaI और एसीटोन डालने पर जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा इथीन प्लस 2NaBr प्लस I2, इथीन प्लस 2NaBr प्लस I2, ये आंसर आएगा फाइनल। तो अब इसी चीज को मैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन में कैसे एक्सप्लेन करूंगा वो नोट करेंगे। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन में जैसे मैंने अगर लिया, ध्यान देंगे इधर, मैंने लिया, मैं डायरेक्ट आंसर भी बताऊंगा इसका और एक्सप्लेन करके,
जैसे मैंने लिया सपोज पीएच एच बी आर या सीएलबी ले सकते हैं, और डाला एनएआई इन एसीटो। अब बताओ इसमें क्या मिलेगा? सीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन मैं पढ़ा चुका हूँ पीछे अभी। सीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन ये कैसे है, इसमें पॉसिबिलिटी BR2 बाहर निकलना हमें पता है, एंटी एलिमिनेशन होना है ये भी पता है। अब बताओ क्या होगा एंटी एलिमिनेशन? डायरेक्ट तरीका भी बताया वो मैंने और कंसेप्ट भी सिखाया हुआ। डायरेक्ट तरीका मैं पहले बता रहा हूँ, पेपर में डायरेक्ट तरीका ज्यादा काम आएगा। एक बार ये कंपाउंड लेते हैं और एक बार कंपाउंड लेंगे ये पीएच एच बी आर पीएच एनएआई एसीटोन के। एनएआई इन एसीटोन बताओ क्या आंसर आएगा इसके अंदर? इन दोनों केसेस में आंसर क्या आएगा बताओ जल्दी से? कनिष्क दोनों आंसर निकाल ले एक बार, कनिष्क दोनों आंसर निकाल ले। साक्षी 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 तुमने सुनाया नहीं कल? साक्षी जितना जल्दी याद करोगे उतना फायदा होगा। देखो 16 को जो टेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ढंग से देना टेस्ट को। चलो एक बार आंसर देखेंगे डायरेक्ट, पहले केस में और दूसरे केस में क्या आंसर आएगा? बोलना किसी को आंसर? काजल कनिष्क यस सर आंसर बोलना है इसका?
फिर से इससे आएगा और 2 NaBr और +I2। सर दूसरे केस में? हाँ दूसरे केस में ट्रांस +2 NaBr +I2। बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, ध्यान देंगे इधर। देखो इसका डायरेक्ट आंसर अगर निकालना है, हमें पता है Br2 तो बाहर निकलना ही है, Br2 जो है दोनों के दोनों ऑपोजिट है, ध्यान देना, जो चीज बाहर निकलनी है वो दोनों ऑपोजिट है, तो इसको मैं ये तरीका बता रहा हूँ निकालने का, आंसर कंसेप्ट कुछ और है, कंसेप्ट भी सिखा दूंगा मैं। तो इसको दोनों के दोनों ये ऑपोजिट साइन पे हैं, ऑपोजिट साइड पे हैं, इसलिए इसको माइनस मानो, इसका एंटी एलिमिनेशन होना है, एंटी मतलब भी नेगेटिव, तो इसको भी माइनस मानो, माइनस और माइनस मिलता है तो क्या बनता है, प्लस बनता है, प्लस मतलब सेस, तो इसलिए आंसर आएगा सेस, जो बचा हुआ है उसको सेस फॉर्म में लिखो। एंटी एलिमिनेशन में ये आंसर निकालने का तरीका है, सिन भी होता, अगर सिन एलिमिनेशन भी होता तो भी आंसर, सिन को पॉजिटिव मानना पड़ेगा, एंटी को नेगेटिव मानते हैं तो सिन को पॉजिटिव, और कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट भी देखेंगे एक बार, दिस कंपाउंड इज इक्विवेलेंट टू, इसको यहां से ऑब्जर्व करो, जिसने पढ़ रखा है कंफर्मेशन आइसोलेशन वो निकाल सकता आंसर, इसको यहां से ऑब्जर्व करो तो ये बन गया इसका कंफर्मेशन, इस कार्बन को ऑब्जर्व करो, इस कार्बन के साथ अटैच जाओ ऊपर पीएच, इधर एच इधर बीआर, ये रख दिया, और ये जो जो नीचे वाला कार्बन है वो ये है, वो ये है, इस कार्बन के साथ अटैच क्या है पीएच, और ये पीएच ऊपर दिखेगा, ओवरलैप कर जाएंगे बीआर और एच, ओवरलैप कर जाएंगे एच और बीआर, ओवरलैप कर जाएंगे, अब हमें दोनों बीआर को एंटी पे रखना है, क्योंकि एंटी एलिमिनेशन, हमें दोनों बीआर को एंटी पे रखना है, इसलिए एक कार्बन को फिक्स करके, एक कार्बन को फिक्स करके रोटेट करा देंगे इसको 60 से, क्योंकि ये बीआर यहाँ पे है, ये बीआर अगर इस बीआर के एंटी में जाना है तो इसको यहाँ लेके आना पड़ेगा, यहाँ मतलब इसको 60 से रोटेट कर रहे हैं, इसको 60 से पीछे वाले कार्बन को रोटेट कर देंगे, जो पहले फ्रंट वाला कार्बन है उसको एज इट इज लिख दो, ये फ्रंट वाले कार्बन में पीएच ऊपर था, एच इधर था, बीआर इधर था, अब पीछे वाले कार्बन को 60 से रोटेट कर दो, ये बीआर आ जाएगा, ये पीएच आ जाएगा, ये एच आ जाएगा, ये एच आ जाएगा, तो अब ये इलेक्ट्रॉन लेके गया और ये यहाँ पे देखा जाएगा और आंसर आ जाएगा यहाँ पे सेम। अब देखो यही चीज आएगी, जब ये दोनों हट जाएंगे तो ये बचेगा, ये दोनों सेम साइड दिख रहा है तुम्हें, ये दोनों एच सेम साइड दिख रहे हैं सेम, और ये कार्बन एक इसके पीछे कार्बन है, तो इसका मतलब ये सिस वाला आएगा, सिस वाला एल्कीन आएगा, सिस वाला एल्कीन। अब इस केस में देखो, इस केस में क्या है, दोनों के दोनों बी आर, मैं पहले शॉर्टकट बता रहा हूँ, दोनों के दोनों बी आर जिनको बाहर निकलना है वो सेम साइड पे, सेम साइड पे तो प्लस मानेंगे, NaI का एसीटोन, NaI एसीटोन में एंटी एलिमिनेशन करता है, ये तो हमेशा एंटी एलिमिनेशन करेगा तो नेगेटिव मानेंगे, प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस माइनस यानी ट्रांस, प्लस माइनस जब मिलेंगे तो माइनस आएगा, माइनस का मतलब ट्रांस, ये तरीका समझ आ गया निकालने का कि नहीं, सोनिया? यस सर। सोनिया ये समझ आया कि नहीं? हाँ जी सर, आ गया। सोनिया ऐसा ना कि क्लास तुम्हारी मिस हुई है ना दोपहर वाली, नहीं तो फिर ये ढंग से समझ आता, अभी बस तरीका देख लो निकालने का, तरीका क्या है, बीआर दोनों बाहर निकालने हैं और एंटी एलिमिनेशन होता है, और एंटी एलिमिनेशन होता है, अब देखो अब इसका कंसेप्ट क्या है, दोबारा वही चीज, दोनों पीएच, दोनों पीएच इसको सामने से अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा तो दोनों पीएच एक साथ दिखेंगे, पहले मैं फ्रंट वाले कार्बन को लिख रहा हूँ, फ्रंट वाले कार्बन पे पीएच, ये फ्रंट वाला कार्बन पीएच एच बी आर, अब बैक वाले कार्बन पे पीएच पीएच एक साथ दिखेंगे, बी आर एक साथ दिखेंगे, और एच एच एक साथ दिखेंगे, अब कितने से रोटेट करना पड़ेगा इसको, इस बी आर को और इस बी आर को एंटी होना पड़ेगा, इसके लिए बैक वाले कार्बन को मैं 180 से रोटेट कर रहा हूँ ताकि 180 पे आ जाएगी, ये इस तरीके से, पहले फ्रंट वाला कार्बन लिख देता हूँ मैं बी आर, अब जब इसको 180 से रोटेट करेंगे तो ये बी आर 180 पे आ जाएगा, पी एच नीचे 180 पे आ जाएगा, और एच यहाँ 180 पे आ जाएगा, अब तुम्हें दिख ही रहा है यहाँ पे, ये बी आर हटेगा और ये बी आर हटेगा, और अब ये पी एच और ये पी एच दोनों क्या दिख रहे हैं, बिल्कुल अपोजिट, यानी ट्रांस आएगा आंसर, दिखाई रखा मैंने ट्रांस, कंसेप्ट नीचे सिखा रहा हूँ मैं और ऊपर डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट आंसर ज्यादा इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट आंसर ज्यादा इंपॉर्टेंट, समझ आ गया क्वेश्चन की नहीं, ये समझ आ गया कनेश? यस सर। चलो अब एक ये समझ आ गया ना, ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, ये जरूर पढ़ लेना जो मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन सारे एडवांस में आए हुए क्वेश्चन है, नीट के क्वेश्चन हैं ये, जैसे अगर मैं ये लेता हूँ CH3CHBr,
CH2Br। इसमें मैं अगर NaI एसीटोन तो सिखा दिया मैंने तुम्हें, ऐसे ही अगर मैं इसको जिंक के साथ हीट करता हूं तो भी आंसर सेम आएगा, मैकेनिज्म दूसरा है, आंसर सेम आएगा इसमें भी, जिंक के साथ हीट कर रहे हैं। अब जिंक के साथ हीट करेंगे ना तो जिंक का आंसर यही आना है, प्रोपीन। आंसर क्या आएगा? प्रोपीन, CH3CH, और एंटी एलिमिनेशन होता है इसके अंदर भी, जितने भी एलिमिनेशन है ना सब में एंटी एलिमिनेशन होता है, सिर्फ दो छोड़ करके, कोप एलिमिनेशन और चुगैव एलिमिनेशन, ये दोनों सिर्फ सिन है। दिमाग में ये बिठा लो कि ऑलवेज एलिमिनेशन इज एंटी, यही बिठा लो बस। बस दो नेम रिएक्शन है जिनका नाम सी से स्टार्ट होता है, कोप एलिमिनेशन, चुगैव एलिमिनेशन, ये सिन एलिमिनेशन। अब देखो बी आर जिंक डाल दिया, जिंक डालेंगे ना तो इसमें भी वैसे ही निकलना है, ये जिंक कंसेप्ट बस ये है, जिंक जो है दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन इस बी आर ने ले लिए तो बी आर पे टू नेगेटिव आ गया, बी आर पे टू नेगेटिव आया तो ये बी आर, क्योंकि एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा इस बी आर पे, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन लेगा, इसको देने ही पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन, आंसर वही आएगा प्रोपीन, आंसर वही आएगा प्रोपीन। और Zn2+, ये भी बी आर माइनस है, ये भी सिंगल बी आर माइनस बन जाएगा, ZnBr2 बाहर निकल जाएगा, माइनस ZnBr2। तो अब एक बार जल्दी से इसका भी आंसर बता देंगे, मैकेनिज्म मैंने सिखा दिया तुम्हें, अब इसका आंसर बता देंगे। MeHHBrBr, जिंक के साथ हीट किया तो आंसर क्या आएगा? दूसरा क्वेश्चन, MeHBrHBr, जिंक के साथ हीट किया तो आंसर क्या आएगा? बोलो जल्दी से, दोनों के केसेस इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट केसेस सारे, निकालो जल्दी से दोनों के आंसर। निकाल लिया सबने आंसर? निकाला सबने आंसर? कनेश? यस सर, पहले मैं ट्रांसफर देखूं। सेम क्वेश्चन है कि अलग है? सेम टाइप है अलग है? सर सेम टाइप है। हाँ देखो, पहले केस में डायरेक्ट आंसर के लिए जो बाहर निकलना है वो देखो सेम साइड है तो प्लस, जिंक का अगेन एंटी एलिमिनेशन है तो माइनस, प्लस माइनस मिलेंगे तो माइनस बनेगा, माइनस का मतलब ट्रांस, जो बचा हुआ है उसको ट्रांसफॉर्म मिलेगा। कंसेप्ट बहुत सिंपल, सेम इसका इक्विवेलेंट एक्विलेट फॉर्म ये होगा, फ्रंट वाले कार्बन पे कोई भी फ्रंट मान सकते हो, एमई ऊपर एच इधर बी आर इधर, नीचे वाले कार्बन एमई एमई एक साथ दिखेंगे, दोनों बी आर एक साथ दिखेंगे, दोनों एच एक साथ दिखेंगे, पीछे वाले कार्बन को 180 से रोटेट करना पड़ेगा ताकि दोनों बी आर एंटी हो जाए, एमई एच बी आर एंटी दिखा और एच यहां एंटी दिखेगा, एमई यहां एंटी दिखेगा, ये बी आर बाहर निकलेगा, ये बी आर बाहर निकलेगा, तो दोनों एमई ऑपोजिट दिख रहे हैं इसलिए ट्रांस। नीचे वाले केस में
जो जिनको बाहर निकलना है वो दोनों ऑपोजिट साइड है तो इसलिए माइनस मानेंगे। जिंक का हमेशा एंटी एलिमिनेशन, तो माइनस 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 मिलेगा तो प्लस बनेगा, प्लस मतलब सेस। कंसेप्ट एक्लिप्स फॉर्म बनाएंगे इसकी, एमई एच बी आर, फ्रंट वाला कार्बन, बैक वाले कार्बन पे एमई एमई एक साथ दिख रहे हैं, बी आर और ये वाला एच एक साथ दिख रहा है, एच और बी आर एक साथ दिख रहा है। 60 से रोटेट करेंगे ताकि दोनों बी आर एन टी आ सके, एमई एच बी आर 60 से रोटेट किया, दोनों एमई ये बी आर बाहर निकलेगा, ये बी आर बाहर निकलेगा, एंटी एलिमिनेशन। तो दोनों एमई तुम्हें दिख रहा है कि सेम साइड दिख रहे हैं तो सेस मिलेगा। कंसेप्ट दोबारा सिखा दिया है, समझ आ गया कि नहीं? अब एक बार हैंड सेस कर देंगे जिसको समझ आ गया कंसेप्ट भी और शॉर्टकट भी। जल्दी से एक बार हैंड सेस कर देंगे जिसको समझ आ गया। कनिष्क, नित्या, काजल, छवि, बॉबी, युविका, अर्णव, साक्षी, कृष्णा, आर्यमन, सोनिया, देवांशी, बिंदिया, सिद्धि, ऋषि, हर्षित, आरुष को नहीं समझ आ रहा है, आरुष 10th क्लास में कुछ होता। तो समझ आ गया, ये तुम्हें फिर क्लियर हो गया इसका मतलब, ये चीज क्लियर हो गई सबको। अब एक एग्जांपल और देखेंगे, एक ये वाली एग्जांपल देखो। जैसे अगर इस टाइप का कंपाउंड है, ये भी सीरियो स्पेसिफिक एग्जांपल, सीरियो स्पेसिफिक का, इसमें अगर सीरियो सेलेक्टिविटी होगी तो चलो इस एग्जांपल को भी रहने दो, इस एग्जांपल को रहने दो भी इसमें। इसके अलावा अब स्टार्ट करेंगे यहाँ पे रिएक्शन है बैकमैन्स रीअरेंजमेंट, जो कि सीरियो स्पेसिफिक का बेस्ट एग्जांपल है। एक ही प्रूफ मिलेगा 100%। मैंने तो बताया था सीरियो स्पेसिफिक मतलब 100% सीरियो सिलेक्टिव होना चाहिए और रिएक्टेंट के अंदर सीरियो होने चाहिए। तो स्टीरियो स्पेसिफिक का एग्जांपल, देखो सीरियो स्पेसिफिक का बेस्ट एग्जांपल है बैकमैन्स रीअरेंजमेंट, नेम रिएक्शन है, एंट्रेंस में बहुत बार पूछी हुई है, बोर्ड के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। बैकमैन्स रीअरेंजमेंट, पहले मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं, इसका डायरेक्ट आंसर, जैसे कोई भी कंपाउंड है, सपोज C6H5 CCH3 डबल बॉन्ड NOH, इसकी प्रिपरेशन मैंने तुम्हें सिखाई हुई है, इसकी प्रिपरेशन मैंने सिखाई हुई है 100 के ऊपर जो कन्वर्जेंस है। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, जैसे कोई भी कंपाउंड है जिसमें मैंने अमोनिया डेरिवेटिव डाल दिया, कोई भी कंपाउंड है जिसमें मैंने एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें मैंने अमोनिया डेरिवेटिव डाला, जैसे NH2OH, हाइड्राजीन, कोई भी ऐसा कंपाउंड जो अमोनिया डेरिवेटिव है, यानी अमोनिया का एच हटा करके कोई और ग्रुप लग जाए, इसमें OH लगाया, इसमें NH2 लगाया, इस टाइप से, तो तुम्हें हमेशा रिएक्शन में क्या करना है, इसका कहते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन, तो ये डालेंगे तो बस H2 pH 3.524 होता है, H2O को बाहर निकाल देना। कंडीशंस क्या है, pH 3.524, तो आंसर आ गया CH3CH डबल बॉन्ड NOH, CH3CH डबल बॉन्ड NOH। NH2 है, इसमें भी क्या करना है, वाटर बाहर निकाल देना, सिर्फ वाटर बाहर निकालना है तुम्हें, और ये आ जाएगा, ये तो तुम्हें पढ़ा भी हुआ है, कौन सी नेम रिएक्शन में पढ़ा है, ये रेजेंट हाइड्रोजन वाला NNH2 आ जाएगा, किसी को भी याद है, बस तुम्हें H2 बाहर निकालना है, कौन सी नेम रिएक्शन में डाला था ये रेजेंट, हाँ किसने बोला अभी, आंसर दिया किसी ने, हाँ बॉबी का, नहीं 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 बॉबी, कौन सी रिएक्शन में पढ़ा है ये, NH2 NH2 N2H4, वॉल्फ क्वेश्चन रिडक्शन, लिवरमैन्स नाइट्रोसोमीन, नहीं 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 वॉल्फ क्वेश्चन रिडक्शन, वॉल्फ क्वेश्चन रिडक्शन यार आ गया ना, NH2 NH2 या N2H4, KOH ग्लाइकोल डालते हैं तो एल्डिहाइड से उतने ही कार्बन वाले मिल जाएगा। चलो अभी समझ आ गया मैंने ये कैसे बनाया, ये ऑक्साइम है, ये क्या है, दिस इज ऑक्साइम, और नाम बोलोगे तो इसका एसिटोफिनोन ऑक्साइम से बना ना ये ऑक्साइम, तो एसिटोफिनोन ऑक्साइम, और अगर इसको प्रॉपर विद ज्योमेट्रिकलाइजेशन बोलना है तो इसका नाम होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है काफी, विद प्रॉपर ज्योमेट्रिकल नेम, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें होगी
जो ओएच के एंटी में फिनाइल है, ओएच के सेम साइड पे, ओएच के सेम साइड पे मिथाइल है। ओएच के एंटी में फिनाइल है तो तुम इसको एंटी की फॉर्म में भी बोल सकते हो और सिन की फॉर्म में भी। जैसे मैं इसको बोलूंगा एंटी, एंटी बोल रहा हूं तो पहले क्या रखना पड़ेगा, फिनाइल, क्योंकि ओएच के एंटी में क्या है, फिनाइल। एंटी फिनाइल फिर मिथाइल, एंटी फिनाइल मिथाइल कीटो ऑक्साइम, ऑक्साइम है और कीटोन से बनाइए, कीटो ऑक्साइम, यह आएगा नाम। और अगर सिन की फॉर्म में बोलना तो क्या बोलेंगे इसको, इसी कंपाउंड को सिन की फॉर्म में बोलना क्या बोलेंगे बॉबी? देखो OH के सिन में क्या है, मिथाइल, तो पहले सिन अगर बोल रहे हो तुम, सिन मिथाइल पहले लिखेंगे फिर फिनाइल, सिन फिनाइल मिथाइल फिनाइल कीटो ऑक्साइम। नहीं समझ आए? ये समझ आ गया कि नहीं? एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गए। चलो चलो सबको समझ आ गया फिर, देखो नोट करेंगे फिर। अब इसमें रिएक्शन कैसे होगी, अब इसमें नाम समझ आ गया, इसका ज्योमेट्रिकल नेम क्या होता है वो समझ आ गया सबको। इसमें रिएक्शन कैसे होगी, मान लो मैंने बैकमैन सीरीज अरेंजमेंट लिख रहा हूं मैं यार, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। जैसे मैंने कंपाउंड लिया C6H5C, नेम रिएक्शन में ऐड कर लेना इसको, CH3 डबल बॉन्ड NOH, ये लिखा। सबसे पहले तो इस कंपाउंड, मैं डायरेक्ट पहले आंसर निकालना चाह रहा हूँ, इसमें कोई भी एसिड डाल दिया, इसमें कोई भी एसिड डाल दिया तो मैं मतलब स्लोली डाला एसिड, H प्लस लिख दो उसको, कुछ भी तरीके कुछ भी लिख दो यहाँ पे, H प्लस या और करके लिख देता हूँ मैं ताकि याद रहे कैसे भी क्वेश्चन आता है। H प्लस और कंसनट्रेट H2O4 और इसमें लिख दिया P2O5, P2O5 मतलब H3PO4 होता है, और इसमें लिख दिया PCl5 लिख दिया, मतलब इस टाइप से कोई भी एसिड डाल दिया, एसिडिक फॉर्म है जिसमें एसिडिक फॉर्म है, कोई भी डाल दिया, BF3 डाल दो उसके अंदर वो भी काम कर रहा है, AlCl3 डाल दो वो भी काम कर जाए। मतलब इस रीजन को तुम देखोगे ना नेमेशन के अंदर तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये बैकमैन रीअरेंजमेंट टाइप। और ये वाला पार्ट यहाँ पे लिविंग ग्रुप होता है, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतनी फास्ट रिएक्शन होगी। ये यहाँ पे लिविंग ग्रुप होता है, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप उतनी फास्ट रिएक्शन। तो इसमें रिएक्शन जब होगी तो अब देखो इसके अंदर जो OH के एंटी पे, इसमें सेकेंडरी अमाइड आंसर आता है सेकेंडरी अमाइड। तो पहले ये वाला पार्ट बना लिया करो हमेशा, इसके प्रोडक्ट निकालने के लिए ये पार्ट हमेशा बना लो, पहले सेकेंडरी अमाइड वाला पार्ट पहले ही बना दो। जो OH के एंटी पे, वो क्या है OH के एंटी पे, बॉबी बताओ OH के एंटी पे क्या है? नहीं बता गणेश, OH के एंटी पे क्या है? CCH5 है, CCH5 है ना, तो NH के साथ हमेशा OH के एंटी वाला आएगा हमेशा, इसीलिए बोला सीरियो स्पेसिफिक। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो बचा हुआ पार्ट है NCS, ये आंसर आएगा इसका। और तुम चेक कर लो, ये दोनों आइसोमर्स हैं, ये और ये दोनों के दोनों आइसोमर्स हैं।
जो कार्बन हाइड्रोजन इसमें है वही कार्बन हाइड्रोजन इसमें है, दोनों आइसोमर्स हैं। रीअरेंजमेंट एसिड की प्रेजेंस में स्लोली रीअरेंज होकर ये बन जाता है एन फिनाइल इथेनामाइड आएगा स्पेसिफिकली एन फिनाइल यही आएगा एन फिनाइल। बस ये ध्यान रखना मैंने जो तुम्हें सिखाया ना वही बना लेना पहले। जैसे अगर मैं तुम्हें ये दे दूं सपोज इसमें आंसर क्या आएगा, इसमें आंसर क्या आएगा, इसमें डाल दिया मैंने PCl5 कोई भी ऐसा रेजेंट जो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, इसमें क्या आंसर आएगा, पहले क्या लिख लेंगे C डबल बॉन्ड O NH, फिर क्या करेंगे OH के NTP क्या आएगा इसमें, अब हाँ NH के साथ CH3 और यहाँ आ जाएगा PH, PH यानी CCH5, तो नाम हो जाएगा इसका N मिथाइल इथेनामाइड, N मिथाइल सॉरी N मिथाइल बेंजामाइड, N मिथाइल बेंजामाइड। अब चेक कर लो ये भी जिमेट्राइजमर्स है, ये वाला और ये वाला जिमेट्राइजमेंट होगी इसके अंदर, ध्यान रखना चीज का क्योंकि रेजोनेंस हो रही है यहाँ पे सीरियल बॉन्ड N है, तो प्रोडक्ट में भी सीरो आइसोमेरेज में और रिएक्टेंट में भी सीरो आइसोमेरेज। प्रोडक्ट में अगर इसको मैं सिन की फॉर्म में लिखता हूँ, सिन मिथाइल लिखता हूँ इसको, तो ये एंटी मिथाइल होगा, तो इसीलिए प्रोडक्ट में भी सीरो आइसोमेरेज में है, रिएक्टेंट में भी सीरो आइसोमेरेज है, देयरफॉर दिस इज बेस्ट एग्जांपल फॉर बैकवंस अरेंजमेंट। मैंने दिखाया था ना सीरो स्पेसिफिक में ए कोई भी एक रिएक्टेंट है जिसके अंदर सीरो आइसोमेरेज में, जैसे ब्यूटूइन उसमें सिस और ट्रांस बनते हैं, ऐसे इसके अंदर क्या है एस्टोफिनोनोक्साइन जिसमें सिन और एंटी बनते हैं, ए और बी बनते हैं, ए अलग आइसोमर दे रहा है और बी अलग आइसोमर दे रहा है, इनमें भी सीरो आइसोमेरेज में, इसमें भी सीरो आइसोमेरेज, ये बेस्ट एग्जांपल है सीरो स्पेसिफिक रिएक्शन का। समझ आया कि नहीं, ये समझ आ गया सबको? रिएक्शन लिखना सबको आ गया कि नहीं इसका? चलो एक बार मैकेनिज्म भी लिख लो इसका, दो तीन मिनट टाइम जो बचा है इसमें मैकेनिज्म लिख लो इसका। H प्लस डाला है, H प्लस इमीडिएटली किसको बाहर निकाल देगा, H प्लस डाला, जैसे ही मैं रिएक्टेंट में H प्लस डालूंगा, H प्लस डालते ही वो क्या किसको बाहर निकाल देगा, C6H5 CH3 जो एंटी वाला है वो माइग्रेट करेगा हमेशा ग्रुप, ये ध्यान रखना उसको माइग्रेट करना इजी होता है। H प्लस डाला तो O पे प्लस H2 आ जाएगा, O अपने लोन पेयर H प्लस को दे देगा, इसको दे देगा, तो ये H2 बाहर निकल जाएगा, तो ये H2 बाहर निकलेगा और जो NT वाला ग्रुप है वो माइग्रेट कर जाएगा, माइग्रेट करके क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, ये चीज आ जाएगी देखो CH3 C पे प्लस N C6H5 C6H5 ये आ गया। अब H2O का अटैक करा देना इसमें, H2O का O इसको लोन पर देगा, तो CH3 COH लगा रहा हूँ मैं डायरेक्ट, H प्लस बाहर निकाल रहा हूँ, माइनस H प्लस OH डबल बॉन्ड N C6H5 बस। अब इसमें क्या कर देंगे टॉटोमेरिज्म, आंसर आ गया टॉटोमेरिज्म करना, CH3 C डबल बॉन्ड O बन जाएगा NH CCH5 NHCCH5 ये आ जाएगा। जिसको नहीं समझ आ रहा टोटल तो कंसेप्ट से देख लो, ये O लोन पेयर देगा इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, O लोन पेयर दे रहा है तो O पे प्लस आएगा, H प्लस लीव कर जाएगा और H प्लस जाएगा जुड़ जाएगा N के साथ। समझ आ गया कि नहीं मैकेनिज्म, ये बैकमैन रीअरेंजमेंट का मैकेनिज्म है, बैकमैन रीअरेंजमेंट का मैकेनिज्म था ये। समझ आ गया कि नहीं, सही ना? तो ये बेस्ट एग्जांपल था स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन का, जिसमें रिएक्टेंट के अंदर स्टीरियो आइसोमेरेज में, प्रोडक्ट के अंदर स्टीरियो आइसोमेरेज में, 100% स्टीरियो सिलेक्टिव प्रोडक्ट मिल रहा है, 100% स्टीरियो सिलेक्टिव प्रोडक्ट मिल रहा है, यही मिलेगा सिर्फ ये वाला जो कंपाउंड है प्रोडक्ट में यही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि CCH5 इधर आ जाए और मिथाइल इधर रहे, तो इसलिए ये रिएक्शन बेस्ट एग्जांपल है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन का। स्टीरियो सिलेक्टिव तो है ही, जितनी भी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस होती हैं They all are stereoselective. तो यहाँ पे लेक्चर जो है अब एक रिएक्शन और रही वैसे कहने को क्या कहते हैं रिएक्शन डायल सेल्डर रिएक्शन जो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन भी कहते हैं, इलेवंथ के कोर्स में भी है एडवांस लेवल पे, वैसे कोर्स में नहीं है तो वो करना है। और बैकमैन रिएजमेंट के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं तुम्हें करवा दूंगा नेक्स्ट टाइम, अभी तुम यहाँ तक पढ़ लेना।
मैंने सिर्फ दो या तीन ही रिएक्शंस कराई हैं, लेकिन इनको कर जरूर लेना ढंग से तो ज्यादा क्लियर रहेगा, सही ना। इसको पढ़ लेना ढंग से, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, और टेस्ट की प्रिपरेशन जरूर करते रहो, सही ना। टेस्ट की प्रिपरेशन जरूर कर लो, टेस्ट को मत मिस करो बिल्कुल भी। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे, आगे रिवाइज कर लेना पूरा। ओके थैंक्स।